उस भगवान राम को मानने वाले हैं जो भगवान राम अपने पिता के एक बार कहने पर वनवास चले जाते हैं और अपनी माँ कैकेयी से एक बात कहते हैं, बहुत लंबा वार्तालाप होता है और कहते हैं, माँ 14 वर्ष का वनवास, यदि मेरे पिता दशरथ कहे तो पर्वत की चोटी से नीचे कूद जाएगा ये राम, यदि मेरे पिता दशरथ कहे तो हलाहल विष को पी जाएगा ये राम, यदि मेरे पिता दशरथ कहे तो धधकती हुई अग्नि में कूद जाएगा ये राम। 14 वर्ष का वनवास तो है क्या, हम उस देश के अंदर रहने वाले हैं जहाँ पर श्रवण ने अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर बैठा करके ऋषि मुनियों के प्रवचन सुनाए थे। आज उस देश के अंदर हो क्या रहा है, आर्मी से रिटायर कैप्टन हो सकता है, आपने भी उस घटना को पढ़ा हो, कैप्टन रिटायर हुए, दोनों बेटे बाहर विदेश में, कैप्टन की पत्नी की मृत्यु हो गई, उन्होंने अपने दोनों बेटों को फोन किया, बेटे तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई है, अंतिम संस्कार तो बेटे ही करेंगे, आ जाओ। एक बेटा आया और वो भी एक दिन के बाद आया, वो व्यक्ति अपनी पत्नी की लाश को लेकर के बैठा रहा और जब आया तो उसने पूछा अपने छोटे बेटे से, बेटे तुम्हारा बड़ा भाई नहीं आया, वो क्यों नहीं आया? तो कहता है, पिताजी भैया का मेरे पास फोन तो आया था, हमारी बातें तो हुई थी, बड़े भैया ने ये कहा है कि माँ का देहांत हो गया है, तुम चले जाओ और जब पिताजी का होगा तो मैं चला जाऊंगा, मैं कराऊंगा अंतिम संस्कार। कहते हैं वो कैप्टन अंदर गया और कमरे में जाकर के उस व्यक्ति ने पिस्तौल से अपने आप को मार दिया, ये कहते हुए कि मैं जीवित था तो तेरी माँ को एक दिन मैं अपने पास रख पाया कि कोई बात नहीं बेटे आ जाएंगे, दूसरे देश में है, जिस दिन मैं जाऊँगा पता नहीं तुम्हें बताने वाला कौन होगा, मेरे शरीर को अग्नि मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, आज यहाँ पर बंटवारा हो रहा है, बेटे बांट लेते हैं माता पिता को, एक वर्ष में 6 महीने तू रखेगा, 6 महीने तू रखेगा और 4 साल में एक दिन ऐसा भी आता है कि 365 की जगह 366 दिन हो जाते हैं ना, जिसको लीप ईयर बोलते हैं। कहते हैं वो एक दिन जब एक्स्ट्रा हुआ तो बच्चों ने उन्हें रखा नहीं, माता पिता ने वो दिन किसी वृद्धाश्रम के अंदर बिताया, ये कहा कि बस 6-6 महीने की ही बात हुई थी, हम अतिरिक्त नहीं रख सकते। ये वास्तविक घटनाएं हमें सुनने में लग रहा होगा कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, जो अकेले माता पिता 10-10 बच्चों को पाल देते थे आज वर्तमान में 2-2, 3-3 को पाल देते हैं और पहले वाले तो इतना कुछ दे करके भी नहीं जाते थे, आज वाले तो जोड़ने में लगे रहते हैं और फिर भी कहते हैं देखो मम्मी पापा हमारी अपनी लाइफ है और आपकी अपनी लाइफ है, हम अपनी लाइफ में आपका इंटरफेरेंस नहीं चाहते, बहुत डिस्टर्ब होती है हमारी लाइफ आप लोगों के रहने से, तो ऐसा करो ओल्ड एज होम में चले जाओ, आपका जो खर्चा होगा हम पहुंचा देंगे वहां पर, कोई चिंता की बात नहीं है, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। यदि हमें बचपन में माता पिता ने छोड़ दिया होता तो फिर हम ये कहने के अधिकारी ना होते, ये कहने के अधिकारी ना होते। और कई कई तो इतने महान, यदि ये पूछो और देखो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं वहाँ तो और ही बुरी स्थिति है, ग्रामीण शहरों में गांव में फिर भी लोक लाज बची है, फिर भी वो कम पढ़े लिखे होकर के अपने दायित्व को समझते हैं, कर्तव्य को समझते हैं, बड़े बड़े शहरों में 1-1 लाख के 1.5-1.5 लाख के कुत्ते रखते हैं और जब जाते हैं ना भोजन करने के लिए परिचय देंगे, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, और उसको भी बुलाएंगे, ये देखो ये भी हमारे घर का सदस्य है, इसे कुत्ता मत समझना, इसे कुत्ता मत समझना, ये हमारे घर का सदस्य है। और कोई उनसे ये पूछे, अच्छा माता पिता नहीं रहे दुनिया में, बोले नहीं माता पिता तो हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो तो गांव में रहते हैं। अच्छा गांव में तुम्हारा कोई दूसरा भाई या बहन रहता है, बोले नहीं वहाँ पर तो हमने नौकरानी छोड़ी हुई है,
हम पैसे पहुंचा देते हैं, वो नौकरानी उनकी देखभाल करती है, कपड़े धोती है, भोजन बना देती है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत अच्छे से चल रहा है। मतलब घर में कुत्तों को तो रखने की जगह है और माता पिता को रखने की जगह नहीं है, कितनी बड़ी विडंबना की बात है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो 4 ही आश्रम बनाए थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये जो 5वां आश्रम बना दिया ना हमने, वृद्धा आश्रम, ये हमारी संस्कारहीनता का परिचायक है, ये हमारी संस्कारहीनता को दर्शाता है। अभी नवरात्रे आएंगे, वहाँ पर लगे रहेंगे शेरावाली माँ की जय, शेरावाली माँ की जय। जिसको परमात्मा ने बना करके भेजा वो माँ तो 2 समय की रोटी की मोहताज है, और जिनको हमने अपने हाथों से बनाया उसको हम ना जाने कितने भोग खिला रहे हैं। बच्चे ये तक कह देते हैं कि हमारी तो हमारी माँ से बोलचाल नहीं है, हम तो बोलते नहीं हैं। मैंने प्रश्न किया, भैया कभी तो याद आती होगी ना उस माँ की जिसने 9 महीने गर्भ में रह करके, तो 9 महीने तुझे अपने गर्भ में रखा और मौत के मुंह में जाकर के जन्म दिया, कभी तो मन करता होगा ना उस माँ के साथ में बात करने का, कभी तो याद आती होगी। जो माँ खुद गीले में सोई और तुझे सूखे में सुलाया उस माँ की कभी तो याद आती होगी। जो माँ खुद भूखी रही और तेरा पेट भरा उस माँ की कभी तो याद आती होगी। बहुत सुंदर पंक्तियाँ किसी कवि ने लिखी, याद तुझको माता की आती तो होगी, बातें उनकी मन को कभी भाती तो होगी। याद तुझको माता की आती तो होगी, बातें उनकी मन को कभी भाती तो होगी, बातें उनकी मन को कभी भाती। जिसने जन्म दिया थर पगल तो उसको भूल गया, उसको भूल गया। जिसने जन्म दिया थर पगल तो उसको भूल गया, उसको भूल गया। पत्नी और बच्चों के प्यार में हो मशगूल गया, हो मशगूल गया। बात नहीं करता तू वो बुलाती तो होगी, बात नहीं करता तू वो बुलाती तो होगी। याद तुझको माता की आती तो होगी, बातें उनकी मन को कभी भाती तो होगी। याद तुझको माता जिसने तेरे खातिर अपना सब कुछ वारा था, सब कुछ वारा था। जिसने तेरे खातिर अपना सब कुछ वारा था, सब कुछ वारा था। उसका तो दुनिया में केवल तू ही सहारा था, तू ही सहारा था। आज अकेली घर पे वो घबराती तो होगी, आज अकेली घर पे वो घबराती ही तो होगी। याद तुझको माता की आती तो होगी, बातें उनकी मन को कभी भाती तो होगी। याद तुझको माता की आती, जिसने बचपन में तेरे बड़े लाड लड़ाए थे, लाड लड़ाए थे। जिसने बचपन में तेरे बड़े लाड
कार्ड लड़ाए थे, आम से भी अंगूर संतरे तुझे खिलाए थे, तुझे खिलाए थे। घर पे रूखी सूखी रोटी खाती तो होगी, घर पे रूखी सूखी रोटी खाती तो होगी। याद तुझको माता की आती तो होगी, बातें उनकी मन को कभी भाती तो होगी। याद तुझको माता और जब ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, हम बस एक दिन मदर्स डे एक दिन फादर्स डे लिख करके माता पिता के साथ में फोटो खींच करके लगा देते हैं और हम सोचते हैं ना जाने हम कितने ही बड़े मातृभक्त हैं पितृभक्त हैं। जिस माता पिता ने अपनी समस्त इच्छाओं को मार करके हमारी इच्छाओं को पूरा किया, वो बेटा ये लिखते हुए देर नहीं लगाता, माई वाइफ इज माई लाइफ। मैं ये नहीं कहती कि मत लिखो, लिखो, लेकिन जिन्होंने अपनी लाइफ को दाव पर लगा करके तुम्हें पैदा किया है, और जब ऐसी संतान हो जाती है तो जिन बच्चों के लिए इतने कष्ट उठाए हैं, वही माता पिता कह देते हैं परमात्मा ऐसी संतान से तो बिना संतान के रह जाते तो ज़्यादा बढ़िया होता, बहुत अच्छा होता, ये कष्ट तो ना झेलने पड़ते, मन को ये तसल्ली तो होती कि हमारे बच्चे नहीं हैं, हमें थोड़ी ना कष्ट हुआ है। इसलिए अंतिम पंक्ति में लिखा, सूरज नहीं दिखाई दे तो उससे सांझ भली, उससे सांझ भली। सूरज नहीं दिखाई दे तो उससे सांझ भली, उससे सांझ भली। जन्म दिया जिस महामूरख को उससे बांझ भली, उससे बांझ भली। जन्म दिया जिस महामूरख को उससे बांझ भली, उससे बांझ भली। रवेल सिंह पैदा करके पछताती तो होगी, रवेल सिंह पैदा करके पछताती तो होगी। याद तुझको माता की आती तो होगी, बातें उनकी मन को कभी भाती तो होगी। बात नहीं करता तू वो बुलाती तो होगी, घर पे रूखी सूखी रोटी खाती तो होगी। आज अकेली घर पे वो घबराती तो होगी, आज अकेली घर पे वो घबराती तो होगी। याद तुझको माता की आती तो होगी, याद तुझको माता की आती तो होगी। याद तुझको माता की आती तो होगी, बातें उनकी मन को कभी भाती तो होगी। इसलिए आओ, यदि हम वास्तव में देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हैं तो ये दो देवी देवताओं की चर्चा थोड़ी सी मैंने आप लोगों के मध्य में की है। इनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। सेवा और शुश्रूषा दो शब्द होते हैं। सेवा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, शुश्रूषा उनकी बातों को सुनना, उनके पास बैठना। लेकिन आज बच्चे ऐसे बच के निकलते हैं अपने माता पिता से जैसे कोई कमजोर
कमजोर दीवार होती है ना, जिसका डर होता है ये गिर ना जाए, ऐसे बच के निकलते हैं कि ये हमें बैठा ना ले अपने पास, हमें कोई काम ना बता दे, अपने भाषण ना देने लग जाए। ऐसे ही कहते हैं ना, अरे क्या नई बात बता रहे हो, हमें सब पता है, अपना लेक्चर बंद करो। लेकिन ध्यान रखना, जो अनुभव वो बड़े बुजुर्ग हमारे माता पिता हमें दे सकते हैं, वो अनुभव और कोई नहीं दे सकता। हम अपने जीवन की गलतियों से कितना सीखेंगे, सारा जीवन छोटा पड़ जाएगा। वो हमें बताएंगे कि ये करना है और ये नहीं करना, ये अनुभव केवल वही दे सकते हैं। इसलिए सेवा के साथ में एक और शब्द जुड़ता है, शुश्रूषा। हम उनके पास में बैठकर कि उनकी बातों को सुने, उनके अनुभव लें,